हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज तो भाई छुट्टी, होली है, आज होली जलेगी, होलिका दहन है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी हैप्पी होली। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, हम लोग निकले हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए। और अभी हम गांव में ही चल रहे हैं अपने, तो आसपास खेत देखिए कैसे पड़े हैं, बेजान से पड़े हैं, मतलब सारे खुद चुके हैं, आलू वगैरह सब खुद चुके हैं सब में। और जब हरे भरे होते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, और ऐसे जब सब फसल वगैरह जब कट जाती है तो बड़े अजीब से लगते हैं, बेजान से। जब फसल हो जाती है, हरे भरे हो जाते हैं खेत, तो बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब आपको एक सुकून सा मिलता है। और अभी हम बैठे हैं हॉस्पिटल में, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, डॉक्टर को दिखाना है। आधा काम तो हो गया, मतलब जो अल्ट्रासाउंड होना था 7 मंथ चल रहा है, तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला, तो अल्ट्रासाउंड तो हो गया है, और लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी हमें नहीं मिली है। रिपोर्ट सीधे डॉक्टर के पास पहुँचा दी जाती है, और फिर डॉक्टर हमको देखने के लिए बुलाते हैं, उसके बाद जो है बारी बारी से बुलाते हैं। तो अभी हमारा नंबर नहीं आया था, हम अपने नंबर का वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए हमें बैठे बैठे, लेकिन अभी हमारा नंबर आया नहीं है। अब पता नहीं कितनी देर में आएगा, तो अभी तो हम बस वेट कर रहे हैं बैठ करके। और ये अपना बैठ के आराम से फ़ोन में लगे हुए हैं, फ़ोन में अपना टाइम पास कर रहे हैं। और इस वक्त रश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, हॉस्पिटल है, कुछ एडमिट भी होते हैं, अब जो एडमिट हैं उनके रिलेटिव्स भी हैं, तो बहुत जो है रश है यहाँ पर इस वक्त। और अभी बज रहे हैं 4:00, तो डॉक्टर के यहाँ से आकर के बस हाथ में धो के खाना खाया, खाना खा के कपड़े चेंज करके मैं भी जो है रेस्ट करने के लिए आ गई, लेट गई हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर शाम का काम करना, खाना पीना देखना। और आज काफ़ी लेट हो गया डॉक्टर को दिखाने में, हुआ कि मैं तो टाइम से पहुँच गई थी, 11:45 पहुँच गई थी। फिर जाते ही डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड होगा आपका, फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। तो वहाँ पे क्या होता है ना, मतलब जितने भी अल्ट्रासाउंड वाले पेशेंट्स होते हैं, पहले सबका एक साथ अल्ट्रासाउंड कर लिया जाता है, फिर उसके बाद एक एक करके डॉक्टर सबकी रिपोर्ट्स को देखती है, और उसके अकॉर्डिंग फिर उनको मतलब एक एक करके पेशेंट्स को बुलाती है, उनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखती है, फिर उनके अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन वगैरह देती हैं। तो ऐसा होता है वहाँ पर, तो आज क्या हुआ, मतलब जितने भी अल्ट्रासाउंड वाले पेशेंट्स थे सबका अल्ट्रासाउंड हो गया, मैं भी थी उनमें, है ना, स्टार्टिंग में ही हो गया था, क्योंकि हम टाइम से पहुंच गए थे, तो हो गया अल्ट्रासाउंड, 12:45 तक अल्ट्रासाउंड हो गया था। उसके बाद हम बाहर निकल आए, फिर हम अपनी बारी का इंतज़ार करें कि डॉक्टर अब हमको बुलाएंगी। तो देखते देखते वेट करते करते 2 बज गए। मैंने कहा इतना टाइम हो गया, मेरे साथ के जितने भी अल्ट्रासाउंड वाले पेशेंट्स थे सब दिखा करके चले गए, इनफैक्ट मेरे बाद के जो पेशेंट्स हैं, जो मेरे बाद में आए हैं पेशेंट्स, वो भी दिखा करके जा रहे हैं, लेकिन मेरा नंबर नहीं आ रहा है। फिर मैंने उससे बोला, मैंने कहा आप जाके पूछो, कंफर्म करो क्या चल क्या रहा है, मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है। तब इन्होंने वहाँ जाके बताया कि भाई इतने बजे अल्ट्रासाउंड हो गया था पहले, उसमें ही पहली शिफ्ट में अल्ट्रासाउंड हो गया था, और अभी तक जो है इनका नंबर नहीं आया, इनके साथ के पेशेंट्स जा चुके हैं और इनके बाद के भी पेशेंट्स जा रहे हैं, तो इनका नंबर क्यों नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने जो है रिसेप्शन पर जो भैया बैठे, उन्होंने अंदर जा करके देखा, तो देखा कि मेरी फाइल एक कोने में पड़ी हुई है। हाँ, फिर जो है हुआ क्या, सिस्टर्स ने मेरी फाइल इधर से उधर कर दी, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, मतलब जितने जो मेरे साथ के जो अल्ट्रासाउंड वाले पेशेंट्स थे उनके साथ में मेरी फ़ाइल होनी चाहिए, बट मेरी फ़ाइल बिल्कुल अलग कॉर्नर में चली गई। तो इसलिए फिर मुझे आज दिखाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। फिर जब वो हमने रिसेप्शन पर बोला जा करके, फिर रिसेप्शन पर जो भैया बैठे थे उन्होंने अंदर जा करके देखा, मेरी फ़ाइल चेक की, तो एक कॉर्नर में पड़ी हुई थी। फिर उसके बाद फिर वो मेरी फ़ाइल लेकर के आए, फिर मुझे बुलाया है अंदर, तब जा करके मैंने डॉक्टर को दिखा पाया है। अगर हमने उस वक्त भी नहीं बोला होता तो हम बैठे ही रहते, अपनी बारी का इंतज़ार ही करते रहते, और हमारी बारी आती ही नहीं, क्योंकि हमारी फाइल तो एक कॉर्नर में पड़ गई थी। वो तो फिर जब बहुत लेट हो गया, मैंने कहा अब तो बहुत टाइम हो गया, साथ के मेरे बाद के भी पेशेंट जा रहे थे, कहा कि मैंने पूछना ही पड़ेगा, अब तो पूछो, मैंने चल क्या रहा है, क्यों नहीं मेरा नंबर आ रहा, तब जाके पता चला मेरी फाइल इधर से उधर हो गई है। वो तो यही है कि फाइल डॉक्टर के ऑफिस में एक टेबल पे जो साइड में पड़ी हुई थी, इधर ज़्यादा इधर उधर नहीं हुई, वरना अगर खो जाती तो दिक्कत होती, साइड में पड़ी हुई थी, तो मिल गई फाइल, है ना। उसके बाद फिर मेडिसिन डॉक्टर ने देखी है, मेरी रिपोर्ट्स वगैरह, मेडिसिन लिखी, मेडिसिन लेकर के फिर हम घर आए हैं।
और मुझे मतलब अंदर से टेंशन भी हो रही थी कि मतलब डॉक्टर क्यों नहीं बुला रहे, क्या बात है, मतलब डॉक्टर को अब तक बुला लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा हो उन्हें मुझे बुलाने में। तो लेकिन जब फिर बाद में पता चला कि रिपोर्ट इधर उधर हो गई है हमारी, फिर डॉक्टर ने बुला करके, जब डॉक्टर ने हमारी रिपोर्ट्स वगैरह देखी, जब उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक है, तब मैंने राहत की सांस ली कि चलो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो फ्रेंड्स, अभी सब कुछ ठीक चल रहा है और आगे भी जो है ठीक चले। अभी 7 मंथ चल रहा है, तो आगे जो 2 ढाई महीने का वक्त है वो भी अच्छे से कट जाए, है ना। चलिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लें, फिर मिलते हैं आप लोगों से, है ना। उसके बाद शाम के खाने पीने में लगेंगे। और अभी रात के 8 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, खाने पीने के काम से फ्री होकर के फिर मैं यहाँ पर बैठी हूँ दाल पीसने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कल दही बड़े बनते हैं तो बड़ों के लिए दाल पीसनी। तो मैं यहाँ पर ये मूंग की दाल है और उड़द की दाल दोनों पीस रही हूँ। और दाल इतनी मतलब दो दो बार पीस पाऊँगी, दो बार मूंग की दाल, दो बार मैं उड़द की दाल पीस पाऊँगी। उड़द की दाल पीसने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि उड़द की दाल टाइट होती है, मूंग की दाल तो हाल पीस जाती है। और तो थोड़ी सी पीस करके पहले मैंने मम्मी जी को दिखाने के लिए भेजी इनके हाथों से कि मैंने कहा दिखाया कि सही है ना। तो मूंग की दाल तो सारी पीस चुकी है, अब ये उड़द की दाल और पीस लूँ। और ये लीजिए, एक तरफ रखी है मूंग की दाल पिसी हुई, दूसरी तरफ उड़द की दाल रखी हुई है, तो ये पिस करके तैयार है। और अभी इसके जो बड़े बनेंगे वो तो बाद में बनेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो छोटी होली है वो छोटा त्यौहार है, तो आज के दिन हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं रखी जाती है गैस पर, मतलब वैसे पूरी पकवान नहीं बनते हैं, तो ये भी नहीं बनेंगे, रात के 12 बजे के बाद जो है बनेंगे। बस दाल वगैरह पीस करके तैयारी करके रख दी है, और सौंठ मम्मी जी ने बनाई ली थी, हम डॉक्टर को गए थे दिखाने तो फिर मम्मी जी ने पीछे से सौंठ बना ली थी। बस ये बड़े बनाने हैं, तो दाल पीस के तैयारी करके रख ही दी है मैंने, रात के 12 बजे के बाद जो है बनाऊँगी। और जब तक ये बर्तन वगैरह हैं थोड़े से हो गए, इन्हें मैं धुल करके रख दे रही हूँ। और अभी रात के 2 बज रहे हैं, तो सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं होली में आग लगाने के लिए। सो और सभी फिर यहाँ से जो बड़ी होली है गांव में, हमारे मंदिर है जो, वहाँ पे जलती है बड़ी होली, और फिर वहीं से सभी लोग आग ले लेके अपने घरों में होली जलाते हैं। तो सभी लोग अपने घरों से मतलब हाँ, जो डंडा है डंडे में गेहूँ और जौ की बाली लगा करके, और जो होली बनती मतलब गुलरी बनती हैं वो लगा करके आए हैं, उसमें जो है आग लेकर के जाएंगे, फिर अपने घर की होली में जो है जलाएंगे लगाएंगे। और हमारे यहाँ हमेशा ना रात के 12 बजे के बाद ही जो है होलिका दहन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पूनों का त्यौहार खोटा है, तो रात के 12 बजे के बाद 1:30-2 बजे तक ऐसे ही होली जलती है। सो अभी यहाँ पर होली में आग लगा दी गई है, और हमारे यहाँ होली में आग जो ज्योतिषी होते हैं वो लगाते हैं, तो वो जब आग लगाने से पहले पूरे गांव में जो है घूमते हैं, घूम के सबको आवाज़ लगाते हैं कि होली में आग लगने जा रही है, सब लोग इकट्ठे हो जाओ, ऐसे सब पूरे गांव में आवाज़ लगाते हैं, फिर जो है जा कर के होली में आग लगाते हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद फिर सब यहाँ से देखो आग ले लेके जा रहे हैं अपने घरों की तरफ। और तांशु के पापा भी गए हुए हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि उस वक्त वो वीडियो बना रहे थे, फ़ोन उन्हीं के हाथ में लग रहा था, वो वीडियो बना रहे थे। और होलिका दहन हो गया है, तो ज़ोर से बोलिए होलिका मैया की जय। और बड़ी होली में से आग लगा करके, तो हमारे यहाँ चाची जी के यहाँ ही होली रखी जाती है, फिर वहाँ पर होली जलाई जाती है, तो चाची जी के घर में ही होती है क्योंकि खुला हुआ है और चाची जी का आंगन जो है कच्चा है, तो इसलिए फिर यहीं जलती है। गोवर्धन जी महाराज भी हमारे यहीं बनते हैं, तो सभी लोग यहीं मिल करके पूजा करते हैं, जितनी भी मेरी देवरानी जेठानियाँ जितनी भी सासू माएँ हैं सब यहीं मिल करके पूजा करते हैं। तो चाची जी बैठी हुई हैं, मौसी हैं, मम्मी जी बैठी हुई हैं, मेरी जेठानी पूनम दीदी भी हैं, और मेरी एक ननद हैं नीतू दीदी, वो भी हैं यहाँ पर, और भी मेरी देवरानियाँ जेठानी आई थी तो वो थोड़ी देर रुक करके चली गई, और जो मेरी ताई सास हैं जी जी
वो भी थोड़ी देर रुक कर चली गई क्योंकि बाऊजी जो है हमारे ताऊ ससुर उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो इसलिए। और सबसे बड़ी बात, इस बार होलिका दहन में यहाँ पर मैं मौजूद नहीं हूँ, हर साल होती हूँ लेकिन इस बार नहीं हूँ मैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में होलिका दहन देखते नहीं हैं तो सासू माँ ने मना कर दिया था, तो इसलिए मैं शामिल नहीं हुई हूँ इसमें, मैं घर पर थी। अब ऐसा क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सासू माँ का जो हुक्म है वो तो हमें मानना ही था, तो इसलिए मैं शामिल नहीं हुई इसमें। और मेरे मायके में तो होली के चारों ओर घूम कर के साथ परिक्रमाएं लगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस सब लोग ऐसे ही बैठ कर के बातें करते रहे थे।